रायबरेली बछरावा सपा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने किसान गोष्ठी का किया आयोजन। बछरावा आपको बताते चलें कि सपा के पूर्व विधायक रामलाल अकेला ने आज बछरावा विकासखंड के ग्राम सभा राजा माऊ के ग्राम कुबेर केड़ा में किसान बिल के विरोध में किसान गोष्ठी का आयोजन किया और कहा कि भाजपा सरकार विरोधी सरकार है, सरकार जब तक किसान बिल वापस नहीं लेगी तब तक हम किसानों के साथ मिलकर किसान बिल का पुरजोर विरोध करेंगे। साथ ही किसान बिल से होने वाले नुकसान को किसानों के बीच साझा किया। इस दौरान की कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे गोकर्ण यादव और सपा के कार्यकर्ता शिवकरण यादव, वीर प्रकाश छोटेलाल, हरिशंकर, चंद्रिका प्रसाद यादव, पूर्व प्रधान राधा कृष्ण, ग्राम सभा राजामाऊ के भावी प्रधान प्रत्याशी विनय शंकर शर्मा और सभी किसान उपस्थित रहे। हमारे संवाददाता मोनू सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। विधायक जी, आजकल आप गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं, इनका करने का क्या उद्देश्य है? देखिए, मैं गांव-गांव जाकर के नुक्कड़ सभाएं नहीं कर रहा हूं, किसान गोष्ठी कर रहा हूं। जी जी। और किसान गोष्ठी इसलिए कर रहा हूं कि मैं अपने क्षेत्र के किसानों को जागरूक करने के लिए जो भारत सरकार ने किसानों को तबाह और बर्बाद करने के लिए पार्लियामेंट में 3 कानून पास किए हैं किसानों से संबंधित, और उनसे जो नुकसान होने वाला है, जो किसान बर्बाद होने वाला है, उससे हम अपने किसानों को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाकर के हम गोष्ठी करने का काम कर रहे हैं और किसानों से आग्रह करने जा रहे हैं कि किसान आंदोलन जो दिल्ली में चल रहा है उन सारे किसानों को हमें मिलकर के ताकत देने का काम करना है। विधायक जी, के आप देख रहे हैं कब लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है और उत्तर प्रदेश या कह दिया जाए भारत देश के सभी कोने कोने से किसान दिल्ली बॉर्डर पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान बिल को लेकर के, और उसमें से कई लोगों की मृत्यु भी हो गई है, तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज 1 महीना नहीं, आज 35वां दिन है, 35 दिन हो गए आंदोलन के, और किसानों की इस लड़ाई में अब तक 40 किसान शहीद हो गए, 40 लोगों की मौत हो गई, किसानों का रास्ता रोका जा रहा है। इस कड़ाके की सर्दी में किसानों के ऊपर वाटर कैनल से ठंडी पानी की बौछारें छोड़कर उन किसानों को परेशान करने का काम किया जा रहा है। उसके बाद भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बहादुर किसानों को कि इसकी परवाह न किए भी उसके बाद भी वो दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से किसान हमारा बर्बाद हो जाएगा, भंडारण में जमाखोरी का जो कानून था उसे समाप्त करने का काम जो कर रही है सरकार, उसे हमारा किसान तबाह और बर्बाद हो जाएगा। EMSP का कानून बनाने से कतरा रही है सरकार, किसान की मांग है EMSP का कानून पार्लियामेंट में पास करके इसको संवैधानिक दर्जा दे करके तय कर दो कि किसान की उपज 1600-1800 रुपया कुंटल से नीचे जो खरीदेगा उसके ऊपर मुकदमा कायम करके उसको जेल भेजने का काम किया जाएगा, लेकिन सरकार इससे कतरा रही है, सरकार किसानों को तड़काने का काम कर रही है, बरगलाने का काम कर रही है। आज पराली के नाम पर हमारे ऊपर मुकदमा कायम किया जाएगा, आवारा पशुओं से हमारी फसलों को चराने का काम किया जाएगा, आज खाद 50 किलो की जगह 45 किलो हमको बोरी में खाद देने का काम किया जाएगा, मिट्टी का तेल बाजार से गायब कर दिया गया, चीनी गायब कर दी गई, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं, तो आज हमारे इन किसानों को जिंदा रहकर भी मरने के लिए, जिसे किसान भगवान कहा गया था, ये अन्नदाता है। आप जानते हो किसान के 2 बेटे हैं, एक बेटा कंधे पर राइफल रख करके देश की सीमाओं की रखवाली करने का काम करता है, और दूसरा बेटा किसान का कंधे पे हल लाद कर धरती को चीर कर अन्न पैदा करके पूरी दुनिया को जिंदा रखने का काम करता है। इसलिए हमारा किसान अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है, और इस किसान के ऊपर जो जुल्म अत्याचार नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है, इसको उम्मीद कभी नहीं लोगों ने किया था,
और ये किसान ईंट से ईंट बजा देगा, लेकिन इस अन्याय अत्याचार को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी मकसद को लेकर के रामलाल अकेला अपने पूरे क्षेत्र में गांव गांव जा करके अपने किसानों को इससे जागरूक करने का हमने अभियान चलाया है और अभियान चलाते रहेंगे। धन्यवाद।